जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, गुरु का मिलना भी पूर्ण जन्म का नाता होता है। कौन हमारा गुरु बनेगा, कैसे तय होता है, आज का ये टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। आप बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि ये जानना बहुत अनिवार्य है। लोग जानते नहीं तो थोड़े से असमंजस में रहते हैं। अगर आपको इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी तो आप असमंजस की स्थिति में नहीं रहेंगे। देखिए भक्तों, एक गुरु का मिलना ही नहीं, हर किसी का, पिता, पुत्र, बहन, भाई, रिश्तेदार, जितने भी ये होते हैं, ये सब का नाता पहले से तय होता है। और ये कैसे होता है यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अच्छी तरह समझाएंगे। आप अच्छी तरह समझना तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। बंधुओं, इस संसार में जितने भी प्राणी आते हैं, सबका मिलना पहले से ही तय होता है। गुरु का भी और शिष्य का भी, क्योंकि आपने सुना होगा कि रामकृष्ण परमहंस थे, उनको ऐसे शिष्य की तलाश थी जो उनके लिए खरा उतरे। वो घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई शिष्य मिला नहीं। उधर जो विवेकानंद जी थे, वह गुरु की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन उन्हें कोई गुरु नहीं मिला। आखिर जब समय आया, क्योंकि प्रारब्ध में यह तय था कि दोनों ही आपस में गुरु और शिष्य होंगे, तो परमहंस जी ने देखा कि हाँ, अच्छे से आ चुका है। शिष्य ने देखा कि मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। देखते ही देखते दोनों के तार जुड़ गए बिना वार्तालाप के। तो ऐसे ही होता है जब हमारा गुरु का और शिष्य का नाता जुड़ता है। या तो अचानक हम वहाँ पहुँच जाते हैं या हमें कोई पहुँचा देता है। लेकिन कौन हमारा गुरु बनेगा, ये कैसे तय होता है, ये तो हमने जान लिया कि जन्म जन्म का रिश्ता होता है। क्योंकि एक बार जो गुरु बन गया, जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, वही गुरु से आपका संपर्क होता ही रहेगा। वो किसी भी रूप में हो, लेकिन होगा अवश्य। और तय किस लिए होता है, तय इसलिए होता है कि हम धार्मिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, वह गुरुओं को ढूंढते रहते हैं और गुरु शिष्यों को ढूंढते रहते हैं। एक दूसरे को तलाश होती है, लेकिन समय आने पर मिल जाते हैं। तो गुरु भी पिछले जन्म में यह सोचता है कि मुझे ऐसा शिष्य मिल जाए। कैसा शिष्य, कि जो उसका शिष्य है नहीं, लेकिन उस शिष्य को चाहता है, और उस जन्म में उसका वो शिष्य है नहीं, तो उसकी जो मन की प्रक्रिया है उससे जुड़ जाती है। ऐसे ही शिष्य भी चाहता है कि अगर मेरे ये गुरु होते तो बहुत अच्छा होता, अभी जो मेरे गुरु हैं वो इतने पहुँचे हुए नहीं हैं। तो उनका जो मन का विचार है, वह एक साथ जुड़ जाता है। और जब मन का विचार जुड़ता है तो यह तय हो जाता है कि यही गुरु बनेगा और यही चेला बनेगा। और इस संसार में भी यही हो रहा है, क्योंकि हम आपस में किसी से मिलते हैं और जिस तरह से उनसे बात करते हैं, तो जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं, या कोई भी शरीर से प्रक्रिया कर रहे हैं, ये हमारा प्रारब्ध चल रहा है। और जो हम मन से उस समय सोच रहे हैं, अच्छा या बुरा, भला या बुरा, तो वह हमारा संस्कार बन जाता है। और उसी तरह से हमारा अगले जन्म में जाके मिलान होता है। इसको कोई मिलाता नहीं है, हम अपने आप ही मिलाते हैं और अपने आप ही बिछोड़ते हैं। कई जगह हम ये चाहते हैं कि ये तो हमारा
हमारा गुरु ठीक नहीं है तो वो मिलेगा ही नहीं। कई गुरु सोचते हैं कि ये हमारा शिष्य ठीक नहीं है तो वो शिष्य उससे मिलेगा ही नहीं। तो ये मन का खेल है, मन के द्वारा ऐसे ही हम अपने कर्मों को भी बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मन से विचार कर रहे हैं तो विचार हमारा अच्छा है बुरा है। अगर बुरा विचार है तो उसको आप क्रॉस कर दो और अच्छा विचार है तो उसको ओके कर दो, तो वही आपकी अगले जन्म में जाकर रील बन जाती है। और पुरानी रील जब हमारी मृत्यु हो जाती है वो फेंक दी जाती है और अगली जो मन की रील है वह लगाती जाती है, तो ये सब ऑटोमेटिक चलता है। लेकिन इसके बारे में केवल ज्ञानी ही जानते हैं। इसलिए आप भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपको ही पता चल सकता है।